इस एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड्स करने हैं देखिए सभी लोग ट्रेड करेंगे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो फॉलो करनी होंगी ये पूरा वो जो ब्रॉड प्रोसेस होता है ना एक पूरा प्रोसेस नहीं है इसको आप एक एंट्री लेवल पर यूज करोगे एक एंट्री लेवल पर यूज करोगे मतलब शुरुआती स्टेज के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत कारगर है देखो इसमें होगा क्या क्या जैसे कि सबसे मेन तो सप्लाई एंड डिमांड आपने सुना होगा सप्लाई और डिमांड हम लोग अभी लास्ट वीक हमने कुछ टूल्स आपको दिए थे उन टूल्स का यूज सप्लाई और डिमांड को फाइंड आउट कैसे करेंगे इसका देखिए एक पूरा प्रोसेस होगा जो अभी हम आपको बताएंगे मतलब हाउ टू ड्रॉ एक सप्लाई डिमांड जोन्स अच्छा इन्हें ड्रॉ करने के लिए कुछ फॉर्मेशन का यूज हम लोग करेंगे विद फॉर्मेशन ओके जब एक बार ये निकल आएगा तो एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं ना डबल कन्फर्मेशन या यूं के कन्फर्मेश ठीक है एक बार हम कन्फर्मेशन ले लेंगे इसकी जोरिया हमने निकाले क्या सही है कन्फर्मेशन लेने के बाद में हम लोगों को सीधे लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाना होगा एंट्रीज के लिए आइडेंटिफिकेशन भी होगा इसके अंदर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंट्री हो गई ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया मेन चीज आपका स्टॉक सिलेक्शन ठीक इतना हम लोग काम करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आर आर क्या रखेंगे वन टू थ्री ये हमारा मिनिमम आर आर होगा इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे हम लोग आज के वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शुरुआती लेवल पर मतलब कि अभी हमने कहा ना कि जो अपना सिलेबस है जो मेन प्रोसेस है वो तो शुरू शुरू ही नहीं हुआ है शुरुआती स्टेज में कुछ चीज़ें हमें टेस्ट करनी है एक लेवल तक ले जाने के बाद में मतलब ये ये होगा ना कि अगर हम आपको एक हफ्ते तक एक प्रोसेस में ले जा करके छोड़ें और आपसे ट्रेड एग्जीक्यूट करवाएं तो नेक्स्ट वीक जब डिस्कशन होगा तो उसमें कुछ बातें निकल के आएंगे कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने में एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं ये चीज़ हम अभी अभी भी डिस्कस कर सकते हैं तो क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसा है नहीं है कि तुरंत बस उठ के चलाया है वो दो साल तीन साल का एक्सपीरियंस होल्ड ही कर रहा है मिनिमम जो अपने ग्रुप में लोग हैं मिनिमम भी दो साल के दो साल से कम का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं ज़्यादा ही है तो अगर हम डिस्कस करें तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं लेकिन जो किया वो उसको एक साइड में रखते हुए हम लोग वन वीक एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए काम करेंगे नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई इस प्रोसेस में काम करते हुए फिर आगे की जर्नी हम लोग धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे ये काम सब लोगों को करोगे सब लोग करोगे इतना ईजी इतना इफेक्टिव इतना एक कह सकते सिंपल वे में एग्जीक्यूशंस करने हैं बस सेटअप मिलेगा ट्रेड कर देंगे या तो एंट्री या स्टॉप लॉस बीच में निकलना नहीं है सभी लोग सुनिएगा इस चीज को सप्लाई एंड डिमांड जोन जब हमें ये ड्रॉ करने हो तो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मतलब इसका एक इफेक्टिव वे क्या होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम पर बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं डेली मतलब डेली टाइम फ्रेम का ही यूज होता है हायर टाइम फ्रेम के लिए लेकिन अभी हम लोग जो यूज करेंगे आवरली आवरली टाइम फ्रेम का यूज होगा डेली टाइम फ्रेम पर भी नहीं जाना है ठीक लोअर टाइम फ्रेम पर हम आ जाएंगे सीधे फाइव मिनट ठीक है आवरली टाइम फ्रेम मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन होगा और फाइव मिनट पर आकर के हम लोग अपने ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे हमें जरूरत सबसे पहले पड़ेगी स्टॉक सिलेक्शंस की तो स्टॉक सिलेक्शन तो चभी मा, अभी हम आपको बता देंगे कैसे क्या करने हैं उस स्टॉक सिलेक्शन के अंदर ही इनबिल्ट होगा आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जैसे हम लोग अपने स्टॉक सिलेक्ट करेंगे ना उसी में आपको समझ में जाएगा कि उस स्टॉक के अंदर करना है क्या बाइंग करना है सेल करना है पता चल जाएगा क्योंकि दो व्यू बना करके नहीं रखेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये याद है कि एक स्टॉक में हम लोग दो व्यू बना करके चलते हैं कभी कभी पान लीजिए जैसे मैं आज रिलायंस को ट्रेड करना तो हो सकता है आज ही हम बाइ कर लें बाई साइड में लॉस अगर उसने देखा तो हम कहें शॉर्ट मार दो इसको तुरंत आपने रिलायंस को सेल भी कर दोल में भी लॉस होने लगा चलो इन फिर से बाई मतलब हमें ये क्लियर ही नहीं कि रिलायंस को हमें बाई करना है सेल करना है एक डायरेक्शन हमें क्लियर होना चाहिए जिसका काम जो जिसमें हमारी हेल्प करता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने से पहले ट्रेंड क्लियर हो कि हमें करना क्या है आगे की चीजें स्मूथ हो जाती है फिर स्टॉक सिलेक्शन होगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होगा सबसे जरूरी चीज सप्लाई एंड डिमांड जोन अबोली टाइम फ्रेम पर हम लोग कैसे फिक्स करते हैं यहाँ पर हमने एक चीज लिखी थी विथ फॉर्मेशन एक फॉर्मेशन हम बताएंगे ना उस फॉर्मेशन का ही यूज करना है अच्छा ये फॉर्मेशन होगी हमारी अवर्ली टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन अवर्ली टाइम फ्रेम फॉर्मेशन में देखना है क्या आपको यूज हम लोग करेंगे शुरुआत इसकी वॉल्यूम से जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं ना इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना इसका स्क्रीन ले लीजिएगा फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम फर्स्ट नॉर्मल सेकेंड ये फॉर्मेशन याद रखना ये फॉर्मेशन आपकी इतनी हेल्प करेगी आवर्ली टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन को फाइंड करने के लिए या फिर आवर्ली टाइम फ्रेम पर आपके सप्लाई या डिमांड जोन को रखने के लिए फाइंड करने के लिए अच्छा कुछ लोग में भी हो सकता है सभी लोगों को पता ही होता है अक्सर लेकिन नहीं भी अगर पता तो सप्लाई डिमांड क्या है सप्लाई अपसाइड के रेजिस्टेंस को हम लोग एक लैंग्वेज में सप्लाई बोलते हैं और सपोर्ट को डिमांड बोलते हैं रेजिस्टेंस का एक जो जोन हो गया हमारा वो सप्लाई सपोर्ट्स को डिमांड कहा जाता है ये याद रख लो सिंपल सी चीज है सप्लाई सर पे होगी डिमांड सप्लाई के नीचे होगी कैंडल्स के देखिए, वॉल्यूम्स के यहां पर कुछ हम रूल्स लिख देते हैं फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल मतलब उसका चलिए हम कलर लिख दें कलर नहीं आप नॉर्मल ओके सेकंड वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल सेकंड वॉल्यूम लोअर देन फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम से कब हमारी सेकंड वाली वॉल्यूम होगी थर्ड वॉल्यूम ग्रेटर देन फर्स्ट वॉल्यूम थर्ड वॉल्यूम ग्रेटर देन फर्स्ट वॉल्यूम कलर शुड बी सेम तीनों ही वॉल्यूम्स के कलर सेम होंगे मेरे ओके okay. यहाँ पर एक चीज आपसे पहले एक ग्रुप से हमारा डिस्कशन चल रहा था तो एक चीज हम उनको भी बता रहे थे कोई भी फॉर्मेशन हमारी हेल्प करती है एक सप्लाई या डिमांड जोन तक पहुंचाने में कोई भी फॉर्मेशन मदद करती है हमें एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक पहुंचाने में उसके आगे काम शुरू होता है हमारा मतलब कि मेरे कॉमन सेंस का हो सकता है वो फॉर्मेशन आपको ट्रैप करने की वजह से उस लेवल तक ले जाकर के उसने छोड़ा हो आपको उस फॉर्मेशन ने ट्रैप किया हो अब मान लीजिए कि ये कुछ कैंडल्स है हमारी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है ये कोई कैंडल्स हमारी बन गई एक फॉर्मेशन जिसने कि हमें बिल्कुल इस तरह की लाइन्स ला करके दी अगर हम ड्राइंग्स और भी अच्छे से बना सकते तो हम और अच्छी ड्राइंग यहां पर बना सकते थे जो चीज हम बोलना चाह रहे उसको समझिएगा कोई फॉर्मेशन आपको कैंडल्स के बिल्कुल सेंटर से होकर के एक लाइन निकाल रही है कोई भी चार्ट जिस भी चार्ट के ऊपर आप मार्किंग करो किसी भी फॉर्मेशन से उसके अकॉर्डिंग जो भी लेवल आपका निकल के आया वो लेवल आपके कैंडल्स के बिल्कुल बीच से होकर के जा रहा है आपको देखने से ही ऐसा लगेगा ये कोई इंडिकेटर ऐसा काम नहीं कर सकता कोई टेक्निकल टूल ये काम नहीं कर सकता टेक्निकल टूल का काम था कि आपको एक फॉर्मेशन दे देना क्या वो फॉर्मेशन ने जिस लेवल या जो प्राइस आपको दिया है क्या वो प्राइस ऑफ मार्किंग सही है या नहीं ये देखना तो हमारा काम है हम इसके लिए अपने फॉर्मेशन को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर्मेशन हमें एरिया दे दिया ये वाला लेकिन अब देख करके समझ में आ रहा है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मेशन तो ठीक है ये भी सही है लेकिन प्राइस अप एंड डाउन दोनों ही साइड में ब्रेक इन ब्रेक आउट ब्रेक इन ब्रेक आउट कर रहा है नहीं नहीं इस पर काम नहीं करेंगे देखिए टेक्निकली सही है लेकिन अंदर ही अंदर हम ये सारी चीजें देखते भी जा रहे हैं अगर टेक्निकली सही है और हमें देखने से वो सही नहीं लग रहा है तो ये कब होगा कब सही मार्किंग होगी आपको इस तरह की उनके ग्रुप में हम पोस्ट करेंगे वाला वीडियो। है? वैसे तो सभी को फिलहाल मिल चुका है जो एक दो लोग हो सकते हैं जिन्हें नहीं मिला हो तो हमें आप बता दीजिएगा आपको हम शेयर कर देंगे अवर्ली टाइम फ्रेम पर हमने एक एक्सरसाइज आप लोगों से करवाई थी जिसमें हमने कहा था कोई भी मार्किंग आप करो बट प्राइस आपकी उस मार्किंग पर कुछ इस तरह का रिएक्ट होना चाहिए ये अपना बेस स्ट्रक्चर ऑफ रीडिंग या बेस स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग होता है हम इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं बाकी आगे हम जो भी चीजें बताएंगे सिर्फ इसका एक्सटेंशन होगा बेसिकली हम लोग इस मॉडल पर ही काम करते हैं ये अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमें चाहिए बिल्कुल इस तरह की मूव अगर इस तरह की फॉर्मेशन हमें वॉल्यूम स्ट्रक्चर दे रही है ये वाली पर्टिकुलर ये वॉल्यूम स्ट्रक्चर अगर हमें यहाँ तक पहुँचा रहा है तब तो ठीक तो है नहीं तो फिर हम उसको और फिल्टर आउट करेंगे आई होप कि क्लियर हुआ होगा हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं एक सप्लाई जोन तक पहुँचने के लिए या एक डिमांड जोन तक पहुंचने के लिए हम अपनी इस वाली फॉर्मेशन का यूज करेंगे इसके बाद में क्रॉस चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कन्फर्मेशन confirmation. कन्फर्मेशन के लिए हम एक बार डबल क्लिक या डबल चेक कर लेंगे कि हमें जिस प्राइस पर फॉर्मेशन ने पहुँचाया है क्या वो फॉर्मेशन सही है या नहीं सही है ये देखने के लिए हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि जहाँ पर हमने अपनी मार्किंग की है बिल्कुल सेंटर से तो लाइन नहीं निकल रही क्योंकि हमें इस तरह की मार्किंग चाहिए जहाँ पर भी आप ड्रॉ करो प्राइस मूवमेंट हमें इस तरह की चाहिए ठीक ये याद हाँ रखना हम लोग ऐसे सप्लाई एंड डिमांड जोन निकालेंगे अभी चार्ट पर चलेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा ओके okay. अब ये काम हमने किया था आवर्ली टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री कितने पर लेनी है फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर फाइव मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री लेने के लिए जिस फॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे वो होगी मेरी बुल स्टॉप बियर स्टॉप इसके बाद में

एंट्री कहाँ पर लेनी है एंट्री किन फॉर्मेशन से लेनी है ये खत्म स्टॉक सिलेक्शन खत्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन खत्म आर आर रेशियो के लिए जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसा लगाने के कुछ हम फॉर्मेट्स आपको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टॉप टॉप लगाओगे वन इजू थ्री से नीचे का आर आर हमें नहीं चाहिए हम इतने पर ही काम करेंगे इतनी चीज याद रख लो और इसका स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि ये प्रोसेस ही आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट वीक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए अब फटाक से हम लोग चलेंगे चार्ट के ऊपर ठीक है यहाँ पर इंडिगो है देखिए शुरुआत हम लोग करते हैं स्टॉक सिलेक्शन से आप चले जाना इंटराडेर डॉट कॉम पर इंट्राडी स्क्रीनर डॉट कॉम क्लिक कर लो सबसे पहला ही लिंक जो यहाँ पर आपको मिलेगा इंट्राडे का आएगा मार्केट मार्केट के बाद में इंट्राडे क्लिक कर दो बेस्ट बेस्ट इंट्राडे स्टॉक यहां पर लॉग वगैरह कर लेना मोबाइल नंबर जो अगर ये मांगता है तो मोबाइल नंबर दे देना क्योंकि हमारा एक्चुअली ऑलरेडी हुआ है तो यहां पर डिमांड नहीं करेगा अभी इसको ओपन होने दो पहले ओके okay. ऊपर में देखिए आपके पास इस साइड में एक चीज दिख रही होगी कुछ ऑप्शन है यहां पर इधर एफ है इधर ये कैश है कैश सिलेक्ट कर दोगे तो आपके पास वैसे भी स्टॉक चले आएंगे जो कि ट्रेड करने के काबिल तो हैं लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है मतलब कि हम उसको ट्रेड नहीं करते तो कैश सेगमेंट हमें करना ही नहीं क्लिक कैश में आप आ जाओगे तो देखना कैश में सबसे पहला स्टॉक जो भी आएगा हम उसका एग्जाम्पल आपको देंगे कौन सा है ये जे एम एफ जे एम फाइनेंशियल कंट्रोल सी जे एम फाइनेंशियल मिनट का टाइम फ्रेम है ओके लास्ट वीक देखिए इसने क्या किया ना ये भागा है तो इसके अंदर आपको वॉल्यूम्स दिख रही हैं। इसको हटा दो यहां पर देखो कि इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है ये इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स ही नहीं है कैश पेमेंट का स्टॉक है साइड में पड़ा रहेगा एक एक कैंडल इसकी एक, एक परसेंट की बन जाएगी जैसे लास्ट में देखिए क्या हुआ है? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कितना भाग है।, एक 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 है कोई अपर सर्किट ही नहीं लग रहा है इसके अंदर तो दस परसेंट पर लगना चाहिए चौदह परसेंट हो गया अपर सर्किट ही नहीं लगा मतलब इतना भाग है स्टौक। ऐसे स्टॉक हम ट्रेड नहीं करते वापस इस अप... वापस आगे अपने चार्ट पर कैश सिलेक्ट था एफ एनोमी सिलेक्ट कर लिया अभी एफ में एक हमारा होगा स्ट्रॉन्ग एक होगा वीक ओपन होने दीजिए इसको स्ट्रॉन्ग स्टॉक इंट्राडे वीक स्टॉक इंट्राडे स्ट्रॉन्ग स्टॉक इंट्राडे वीक स्टॉक इंट्राडे स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो भी आएगा ये स्टॉक टर्निंग वीक ये हम फिर कभी आपको बताएंगे स्ट्रांग स्टॉक इंट्राडे में हम लोग बाई करेंगे वीक स्टॉक में हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे क्लियर है स्टॉक स्टॉक इंटरडे में जो भी स्टॉक आएंगे मेरे पास हम लोग इसके अंदर सिर्फ बाई करेंगे सेल साइड हमें देखना ही नहीं है और यह काम आपको करना है मॉर्निंग में साढ़े नौ के बाद साढ़े नौ पर आप रन कर लेना मान लीजिए यहां पर आया मेरे पास टाटा टाटा स्टील है चोला फिनांस है टीसीएस है एल है कोई भी एक स्टॉक उठा लो शुरुआत में आपके काम करना है कि पांच स्टॉक इसके लिए ले लेना पांच आपके पास दस स्टॉक्स की वॉच लिस्ट आ जाएगी दस में से एक दिन में अगर आपने दो स्टॉक भी ट्रेड कर लिए क्योंकि दस के दस ट्रेड नहीं करोगे दो हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक आपको उठाने हैं एक एक सिर्फ दो ही स्टॉक्स ट्रेड करने हैं आपको दो से ज्यादा ट्रेड मत करिएगा दो से ज्यादा ट्रेड करना ही नहीं वन टू थ्री रिस्क के बाहर निकल जाना है एक दिन की लिमिट ही हमारी दो स्टॉक होती है हम मोर देन टू स्टॉक ट्रेड नहीं करते अब जैसे टाटा स्टील आया हमारे पास टाटा स्टील में सिर्फ बाई कॉपी अब ये क्या हो रहा है बाई हो रहा है मतलब साढ़े नौ तक तो आपके पास स्टॉक बाद में ये बाई बाई हुआ है जो मोमेंटम इसके अंदर आया अब मैं ये समझ में आ गया कि मेरे पास टाटा स्टील है सीधे आ जाओ आप आवर्ली टाइम फ्रेम पर ये बहुत सिंपल लैंग्वेज हम आपको बता रहे हैं कोई कॉम्प्लिकेशन हम कोशिश ये करेंगे क्योंकि कॉम्प्लीकेशन हुई ना बहुत सिंपल वरना इतने सारे टर्म्स इसके अंदर है अगर हम आपको उन सारे टर्म्स में उलझा दें तो हो सकता है आप ट्रेड ना कर पाओ बाकी सारी चीजें आपको लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे पा। टाटा स्टील में सबसे जो सिंपल चीजें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं जो हमने बोला ना सप्लाई ये हमारा एक सप्लाई जोन बन गया ये दिख रहा है ना ये पूरा का पूरा एक सप्लाई जोन है मेरा मार्केट यहां पर आकर के रुक रही है जरूरी नहीं कि एक स्टॉक में अगर आपको सप्लाई मिल रहा है तो उसमें आपको डिमांड जोन भी मिल जाए मार्केट जब इस जगह पर जा रही है यहां पर जा रही है ना तो देखिए इसके अंदर मूव हो रहा है यहां से नीचे गिर रही है इस जगह से यहां से लास्ट में देखिए उधर जब अपना चार्ट जूम इन था जूम आउट हमने जब किया था इसको सेम लेवल से प्राइस हमारा रिजेक्ट हो रहा था हमें करना क्या है अगर इस लेवल से मार्केट नीचे गिर रही तो फिर गिर जाने देना फिर हमें काम नहीं करना है इसके अंदर समझ रहे ना क्योंकि ये स्टॉक स्टॉक इंट्राडे है स्ट्रॉन्ग स्टॉक इंट्राडे तो सिर्फ बाई करेंगे हम लोग अबली टाइम फ्रेम पर हमें यह समझ में आ गया कि यहां पर हमें कुछ एक ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जहां से हम लोग अपने एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं अब ये याद रखना कि आपको एंट्री बिल्कुल इसी जगह से लेनी है बिल्कुल यहां से कोई ऊपर नीचे नहीं यहां पर नहीं लेंगे यहां पर नहीं लेंगे यहां पर नहीं लेंगे यहां पर नहीं लेंगे फाइव मिनट पर आ जाओ इस जगह पर हमें चाहिए अपनी एंट्री एंट्री लेने के लिए हमने फॉर्मेट कौन कौन से बताया आपको बुलिस बेरी स्टॉप मदर कैंडल फॉर्मेशन हमें यह देखना है कि इस जगह पर इस वाली रेंज पर आपको जहां पर भी मदर कैंडल देख रही हो जहां पर भी बुलिस देख रहा हो जब वो बुलिस अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाएगा या बेरिस्टॉप अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाए या मदर कैंडल अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाए बट कंडीशन सिर्फ एक ही है कि मेरे लेवल के पास में वो फॉर्मेशन फॉर्म होनी चाहिए लेवल से दूर यहां 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 नहीं हमारे जोन को टच होकर के वो फॉर्मेशन फॉर्म होनी चाहिए हम यहां से बाई कर लेंगे दूसरा आ जाओ चोला फिनास ये देखिए अब जैसे मेरे पास आया था टाटा स्टील टाटा स्टील आया तो उसने इतना बड़ा मूव दिखाया अब चोला फिनेंस आया इतना इसके अंदर कोई मूव नहीं आया है है ना तो ये तो बाद में पता चलेगा ना कि मूव आया है नहीं आया एंट्री मिली नहीं मिली लेकिन अब मेरे पास अगर पंद्रह कोई स्टॉक आ गया तो हमें ये देखना होगा कि इसके अंदर हमारे सप्लाई ये डिमांड जोन क्या बन रहे हैं कहाँ पर हमारे एरिया आ रहा होगा पडाक से रिजॉइन करिए सर लोग जल्दी से रिजॉइन करिए अभी आपको बताना है हमें बोली स्टॉप बेरी स्टॉप बताना है तो उसको भी एक तरह से हम लोग फाइनली करेंगे आइए करिए जल्दी इस जगह पर सप्लाई और डिमांड जोन फाइंड आउट कर हैं एक बात और जरूरी नहीं है हर बात जैसे स्टॉक हम ट्रेड करना डिमांड जोन हो ही हो जरूरी है मिले जरूरी ना भी मिले इसीलिए हमारे पास दस स्टॉक है अगर एक में नहीं मिला तो हम दूसरे में देख लेंगे दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे में देख लेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी जबरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं यार यहां पर देखो बंद तो रहा है ये देखो एक ये है एक ये है ये बन रहा है यहाँ से तो कर सकते हैं अच्छा अपना रेजिस्टेंस तो इसने सप्लाई डिमांड सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया तो यहां से बाई जबरदस्ती नहीं करनी है नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है और इसको आप पीछे की तरफ फाइंड आउट कर दोगे ये नहीं है ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपका जो पॉइंट है ना जो स्टॉक वैल्यू है वो आपके जो सप्लाई एरिया उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ उसने गैप अप दिखा दिया जबकि यहां पर है हम लोग देखिए ये तो पूरा जोन ही बिल्कुल अप में है तो हम तो इसको ट्रेड ही नहीं करेंगे समझ पा रहे ना अब ये ट्रेडेबल नहीं है क्योंकि मेरे 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 जोन पर ही नहीं है ये स्टॉक हटा दो उसको सप्लाई जोन या डिमांड जोन हम ड्रॉ भी करने ना तो मेरे लेवल पर नहीं आएगा छोड़ दो हमें दूसरा स्टॉक चाहिए हो आप कौन सा है टी सी -स। टी -स है अब टी में आप अपना एरिया फाइंड करो जैसे कि ये मेरा स्विंग है ये हो गया ना हमने एक अपना जोन अपना एक एरिया मार्क कर लिया आवली टाइम फ्रेम पर है हम लोग फिफ्टीन नो ओके सीधे फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया इसने तो बहुत बड़ा मूव दिखाया उसने नौ पंद्रह नौ पच्चीस यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसी जगह पर हमको हमारे फॉर्मेशंस मिल रहे हैं मदर कैंडल तो सभी लोगों को मालूम हो ना बिल्कुल यहीं पर जैसे इन्फॉर्मेशन के ब्रेकआउट आपके अपसाइड की तरफ होंगे आप अपनी एंट्री लोगे लेकिन याद रखना टारगेट वन एस टू थ्री से कम नहीं होना चाहिए एस दे देना लेकिन वन एस टू थ्री से कम बुक मत करना एस जाए चला जाए हमें चाहिए वन एस टू थ्री ना तो हम डर के घबरा के बाहर निकलेंगे और ना ही वन एस टू थ्री से ज्यादा चाहिए जैसे वन एस टू थ्री मिल जाएगा हम बाहर हो जाएंगे कोशिश करो ब्रैकेट ऑर्डर लगा दो अगर ब्रोकर आपका ब्रैकेट ऑर्डर थोड़े से महंगे दे रहे हैं ना तो मैनुअल ऑर्डर लगाओ लेकिन वन थ्री लेकर के बाहर निकलो नौ से कम ना ज्यादा अब इधर आ जाओ आप अभी हमने आपको क्या बताया था एंट्री लेने के लिए बुली स्टॉप बेरी स्टॉप ये चीजें हमने बताई थी एक काम करते ना हम बुली स्टॉप बेरी स्टॉप को कैंसिल करेंगे चलिए स्टॉप और बेरी स्टॉप इसको हटाते हैं और एंट्री के लिए हम लोग लेते हैं रेक्स लाइन को रेक्स लाइन को ही रखिएगा बुल स्टॉप हम लोग आगे के लिए रखेंगे रेक्स लाइन का यूज करेंगे अच्छा रेक्स लाइन फॉर्मेशन में क्या होता है फर्स्ट कैंडल रेड सेकेंड कैंडल मेरी रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है बस उसका जो रिजेक्शन होना चाहिए वो कुछ इस तरह की कैंडल देखनी चाहिए हमको एक हैमर टाइप की इन्वर्टेड हैमर इसके बाद में जो थर्ड वाली कैंडल होती है वो मेरी सेंटर वाली कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग कर दे या फिर विक निकाल दे या तो क्लोजिंग कर दे या कम से कम एक विक क्रिएट कर दे हम इसे रेक्स लाइन फॉर्मेशन बोलेंगे इस फॉर्मेशन का यूज़ हम लोग एंट्री के लिए करेंगे अगर हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर जो कि आवाली टाइम फ्रेम पर हम लोग अपना सप्लाई या डिमांड जोन निकाल रहे हैं ना वहाँ पर अगर हमें दिख रहा है तो हम अपनी इस वाली फॉर्मेशन के थ्रू नहीं तो फिर जो मदर कैंडल भी हमने बताई मदर कैंडल तो बहुत आसान है रेक्स उससे भी ईजी बहुत इजी इजी लाइक फॉर्मेशन है ये तो एंट्रीज के लिए रेक्स लाइन फॉर्मेशन और एंड अपना सप्लाई डिमांड जोन के लिए फिर हम लोग आवाली टाइम फ्रेम पर चलेंगे ओके अब एक चीज़ और अपना वर्ली टाइम फ्रेम पर आ गए सारी मार्किंग्स रिमूव अब यहाँ पर हमने आपको वॉल्यूम्स बताई थी ना शुरुआत में याद होगा कि आवर्ली टाइम फ्रेम के लिए कुछ वॉल्यूम्स का हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट वाली जो कैंडल होगी हमारी थर्ड वाली वॉल्यूम उससे ज्यादा होनी चाहिए वन टू थ्री ये दिख रहा है आपको कहाँ क्या है एक दो तीन एक दो तीन फर्स्ट 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 सेकेंड एंड थर्ड ये पूरी फॉर्मेशन बन गई हम इस वाली फॉर्मेशन का अगर हाई मार्क कर लें अगर इस वाली फॉर्मेशन का हाई मार्क कर लें तो क्या हमें रेजिस्टेंस मिल सकते हैं एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस मिल सकते हैं तो हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं ये मेरा डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई ढूंढने का या डिमांड जोन फाइंड करने का ये एक टूल होगा हम इस वाली फॉर्मेशन को वॉल्यूम फॉर्मेशन को एज अ टूल यूज करेंगे और जहां पर भी ये फॉर्मेशन में दिख जाएगी थोड़ा सा दो चार पांच रुपए का बफर दे करके ये लेवल हम मार्क कर लेंगे एंट्री लेने का पॉइंट आपको मालूम ही है और स्टॉक ले लो आप जैसे अभी हम लोग स्ट्रांग में थे अभी हम आ जाएंगे वीक में चलो वीक में कौन है महिंद्रा एंड महिंद्रा है ये याद रखना ये काम लाइव मार्केट में करना है गिरा है नीचे की तरफ फिलहाल अब वाली टाइम फ्रेम पर चलो कुछ नहीं करो इह, हम, लेवल्स बहुत सारे हैं हमें सबसे पहले चाहिए हमारे एरियाज पॉइंट ऑफ एक्शन जो कि वाली टाइम फ्रेम पर हैं हम लोग अब रिसेंट में फाइंड कर लो रिसेंट में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं इधर तो कोई नहीं है इधर भी नहीं है यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं तो कुछ नहीं अब यहाँ पर हमें मैनुअली निकालना पड़ेगा मैनुअली निकालना होगा थोड़ा सा बैक करो चार्ट को और अपने लिए एक वो एरिया फाइंड करो जिसको कि आप देख सकते हो ट्रेड करने के लिए क्या हम लोग इसे मार्क कर सकते हैं एज अ सप्लाई यहाँ पर एक ये जोन बन रहा है मेरा और कोई नहीं बन रहा है छोड़ दो इसको यहाँ पर हम देखिए कोई भी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि उस दिन जब मार्केट की वैल्यू या मार्केट प्राइस यही चल रहा था ट्वेंटी सिक्स के आसपास का छोड़ दीजिए मतलब यहाँ पर हमको नहीं मिल पा रहा सही से छोड़ दो नहीं करेंगे काम हायर टाइम फ्रेम के प्राइजेक्शन बहुत जरूरी होंगे मतलब हाई टाइम फ्रेम पर जो हम लोग सप्लाई या डिमांड जोर निकालेंगे वो दूसरा ले, ले लेते हैं पी एफ सी पी एफ सी पी एफ सी वो पावर फिनंस पावर फिनंस कॉरपोरेशन पावर फिनंस कॉरपोरेशन में ये स्ट्रक्चर है अपना ये रेजिस्टेंस अगर दिया ना तो यहीं पे होगा काम एक तो ये बन रहा है दूसरा लाइफ टाइम हाई पर है ये

एक जोन अगर हम मार्क करें तो ये वाला एक जोन पूरा मार्क कर सकते हैं मतलब कि प्रीवियस डे और प्रीवियस टू प्रीवियस डे का पूरा एरिया एक ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा एक सप्लाई जोन समझ में आ रहा है ना मतलब फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फिर तो हमारे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि ब्रेक हो चुका ऑलरेडी ब्रेक हो गया तो इसे इन फ्यूचर हम लोग एज अ सपोर्ट काम में ले सकते हैं लेकिन रेजिस्टेंस हमें यहाँ से दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि कोई फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर फिर हम लोग मैनली निकाल रहे हैं एक रेस्टेंस जोन हमने निकाल लिया रेस्टेंस जोन वगैरह निकालना इतना आसान मतलब इतना मुश्किल नहीं होता है आप ये देख लो कि कोई भी कोई भी लाइन जो कि आपने मार्क की है ना वहाँ पर प्राइस जितनी अच्छी तरह से ठहराव दिखाएगा ठहराव दिखाना चाहिए जैसे यहाँ पर मार्केट आकर के रुके अगर रुक रही है तो समझ लो कि आपने सही मार्क किया है अगर रुक रही है तो आपने सही मार्क किया है ब्रेक हो रही है तो ब्रेक आउट होने में भी कुछ ऐसा नहीं कि यूं तुरंत हो जाए प्राइस वहां पर थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी दिखा है रुके ठहरे ठहराव होगा ना तो ये प्रूफ करता है कि आपने एक सही सपोर्ट मार्क किया है या फिर एक सही रेजिस्टेंस मार्क किया है इस तरह से तो ये सपोर्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग इसे एज अ सपोर्ट या फिर डिमांड जोन में डिमांड जोन ध्यान में रख करके हम लोग काम कर सकते हैं सेम चीज देखिए यहाँ पर हो रही है एक पूरा हमें सप्लाई एरिया मिल रहा है सेल करना है सप्लाई ढूंढो सेल मार दो आगे क्या है कि हमारे बायर्स इतने हो सकते हैं सप्लाई को हम सप्लाई क्यों कहते हैं डिमांड को हम डिमांड क्यों कहते हैं सप्लाई क्या होता है डिमांड क्या होता है हमारी वॉल्यूम्स क्यों ज्यादा आती है वो ये चाहे तो भी हमने कहा ना आपसे कि इन इस तरह के मैथमेटिक्स में हम आपको फंसा करके ना घंटों आपसे बातें करते रहेंगे आप सुनते रहोगे आपको लगेगा वाह क्या तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो किस काम की है नॉलेज पर्पस के लिए बहुत अच्छा है लेकिन उस नॉलेज से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे हाँ समझ में आ जाएगा एक हमारे सीनियर थे सीनियर हैं शिवेन जी तो सालों पहले उन्होंने कहीं एक क्लास की थी सालों पहले बता रहे थे मतलब ऐसे बैठ के बातें हो रही थी समझा रहे थे कि मतलब इस तरह की चीजें होती हैं कि समझाने जब कोई बैठता ना तो क्या क्या चीज़ें बता बता डालेगा कोई टेक्निकल नहीं बता रहे हैं वो पता क्या पढ़ा रहे हैं एक पीडीएफ उन्होंने बनाई और पीडीएफ बना करके भेज दी और उस पी में लिखा था एन का फुल फॉर्म क्या होता है बी का फुल फॉर्म क्या होता है एन एस कहाँ पर स्थित है जो हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आया करते थे फिफ्थ और सिक्स क्लास में उस तरह के ये स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं सी के क्या काम होते हैं सी का फुल फॉर्म क्या है सी के क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं सी का क्राइटेरिया क्या है वो क्या कर सकता है मतलब इस तरह की चीजें इससे ट्रेडिंग कर पाओगे आप हम इस वजह से बातें बोल रहे हैं कि पढ़ाने को फिर वही सारी चीजें बताने लग जाएंगे क्योंकि सप्लाई क्या होता है डिमांड क्या होता है सप्लाई को सबसे पहले किसने ये किया और डिमांड को सबसे पहले किस कौन यूज मिलाया है ये वर्ल्ड कहाँ से मिल रहा क्या मतलब हमें इन सारी चीजों से हमें ट्रेड करना है सिंपल ट्रेड करने का क्या तरीका होगा बहुत आसान तरीका ट्रेड करने का एक सिस्टम बनाओ उस सिस्टम को फॉलो करते रहो एक सिस्टम बनाओ उस सिस्टम को फॉलो करते रहो मतलब सिंपल इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है

इससे अच्छे क्या एंट्री की टेक्निक होगी क्या मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग होंगे और क्या इजी टेक्निक होगी इससे चाहे तो सेल बाय जो मर्जी स्टॉक्स आप ट्रेड करो जो मर्जी रेक्स लाइन फॉर्मेशन देखिए उस दिन तो नहीं क्योंकि एग्जाम्पल हमें देना है और रेक्स लाइन के बारे में बताना है ना अब देखो ये चीज याद रखना कि फोर टू थ्री जीरो फाइव फोर टू थ्री फोर फाइव ये अपना पॉइंट ऑफ एक्शन है जो कि आवरली का है अब यहां पर रेक्स लाइन फॉर्मेशन हम आपको दिखाएं तो देखिए इस जगह पर आपको रेक्स लाइन दिख रही होगी फर्स्ट कैंडल रेड कोई भी बन सकती है रेड ग्रीन कोई भी हो बस वीक होनी चाहिए, होना चाहिए एक हैमर लाइक कैंडल फॉर्म होनी चाहिए और ये ग्रीन कैंडल समझ गए इसका लो एक सपोर्ट की तरह काम करता है शॉर्ट सेल करना है सिर्फ शॉर्ट सेलिंग होगी कोई वॉल्यूम नहीं देखनी मोसिन इन फाइव मिनट पर कोई वॉल्यूम नहीं देखनी आपको सिर्फ प्राइजेक्शन देखो वॉल्यूम का काम इतने पूरे फॉर्मेट पर सिर्फ हम लोगों ने एक जगह किया अवली टाइम फ्रेम पर जाओगे सप्लाई या डिमांड जोन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम्स पर कूदेंगे वॉल्यूम्स देखेंगे वॉल्यूम्स अगर हमें एक सप्लाई या डिमांड तक सही से पहुंचा रहे तो तो ठीक है हम उसको अप्लाई कर देंगे और अगर नहीं पहुंचा रहे तो फिर हम मैनुअली देखेंगे उसको मैनुअली भी अगर हम सप्लाई डिमांड जोन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो हम फिर हम उसको छोड़ देते हैं फिर हम नहीं देखेंगे ठीक है और ये रियक्स लाइन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डेली टाइम आवरली टाइम फ्रेम जो पॉइंट ऑफ एक्शन आपका बन रहा है ना उसी जगह पर देखिए आपका ये फॉर्मेशन फॉर्म form हुई इसके नीचे आपको करना है काम इस वाली फॉर्मेशन का यूज फॉर एंट्री पर्पज आप करोगे ठीक है तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा स्टॉक सिलेक्शन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आवर्ली टाइम फ्रेम पर कैसे हम लोग वन वीक के लिए सिर्फ वन वीक के लिए हम लोग सप्लाई डिमांड जोन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे अभी तो हम पूरा जोन आपसे ड्रॉ करवा रहे हैं बाद में ये जोन वोन हट जाएगा एक पूरी एक, एक सिंपल सी लाइन आ जाएगी हम लोग जोन के ऊपर इतना काम नहीं करते हैं जोन का मतलब समझ रहे ना कि दो प्राइज उसके बीच में जब आपका प्राइस मूव कर रहा होगा जैसे कि देखिए ये, ये एक जोन बन गया तो जोन के ऊपर इतना काम हम नहीं करते हम लोग आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हम लोग काम करते हैं एक एरिया होता है मतलब एक फ़िक्स्ड प्राइस, होगा यहाँ पर हम लोग फोर ट्वेंटी टू पॉइंट एट जीरो बस यहीं से काम करेंगे ठीक है फिलहाल वन वीक के लिए इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है फॉलो करना और ट्रेड्स करने डेली दो ट्रेड करेंगे पाँच दिन का टाइम मिलेगा दस ट्रेड एग्जीक्यूशन हमें चाहिए सब लोगों से और वो फिर डिस्कस होगा डिस्कस किए जाएंगे चलिए अब आप लोगों की बारी अगर कोई भी डाउट रह गया हो कोई क्वेश्चन जो भी चीज़ें हमने बताई हैं कोई भी अगर डाउट इससे रिलेटेड मन हो से क्लियर करिए उसको जो फॉर्मेट्स अभी हमने बताएं उसको लेकर के कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करिए नहीं इसके अलावा कोई नहीं आती जी मैं कैमेंट कीजिए अपना आरती आपकी आवाज नहीं आ रही है मैं विशाल मैं क्या नोट कीजिए सर एक बार मदर कैंडल बता दीजिए ना मदर कैंडल किसके होता है मदर कैंडल तो आसान है सर मैंने आपके वीडियोस में सुना है लेकिन समझ नहीं आया एक बड़ी सी कैंडल इसके बाद में बनी हुई कोई भी छोटी सी कैंडल ये मदर कैंडल बन जाती है इनसाइड वार हाँ इनसाइड इसका एक एडवांस वर्जन होता है वन प्लस

रिस्क जितना मिनिमम आप हाँ जितना मिनिमम रिस्क आप ले पाओ सर आपने रिस्क रिवॉर्ड के बारे में वो कैसे एसएल और प्राइस टारगेट लगाना है वो बताया वन इज थ्री का टारगेट रहेगा आपका स्टॉप लॉस हमारा जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए आपको पास का कोई भी स्विंग फाइंड करना है सबसे लेटेस्ट कोई भी स्विंग फाइंड करना है बट वो स्विंग नहीं बड़ा होना चाहिए जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट से अगर वो स्विंग पॉइंट आपका जीरो पॉइंट सिक्स से ज्यादा बड़ा हो रहा है तो फिर आप उस स्टॉक को छोड़ दोगे करोगे नहीं समझ गए ना हमें मान लीजिए एंट्री लेनी है अपनी मदर कैंडल से अब मदर कैंडल ने अब साइड की तरफ कोई ब्रेकआउट दिखा दिया यहाँ पर इस जगह पर हमने क्या किया ना रिट्रेसमेंट पर अपनी एंट्री ले ली जो एसएल हम लोग लगाएंगे कोशिश ये करते हैं कि मदर कैंडल के नीचे अपना एस एल लगा दें बट ये जो दूरी है ना मदर कैंडल की और एंट्रीज के बीच की जो एंट्री के बीच की दूरी है वो जीरो हाँ, अभी अभी, मतलब करिए ऐसे ही इसको बहुत ज्यादा वो नहीं है अभी हमने बताया ना शुरुआत है अभी तो सिलेबस तक शुरू नहीं हुआ है ये जस्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको वन वीक के लिए करनी है जोनी माई कम्यूट की जोनी कीजिए अपना हेलो हाँ जोनी बोलिए नमस्ते सर जी नमस्कार जी सर जी क्या हम भी ट्रेड ले सकते हैं का जी जी हाँ, आप भी लोगे ट्रेड ठीक है सर जी, बस ये रहा ओके, ओके, जी सर। जी सर, सर, था कि अम, जैसे आपने वो जो तीन कैंडल बताए फर्स्ट कैंडल से छोटी और थर्ड कैंडल इज बिगर से तो पहले मैं वॉल्यूम्स ये ढूंढ के फिर वो वन आवर में फिर उसको करने के लिए देखूं। पहले अगर आपको वॉल्यूम्स एक सही एरिया दे रहे हैं तो फिर नेकेड आई से देखने की जरूरत ही नहीं है अगर वॉल्यूम्स okay. आपको सही जगह नहीं पहुंचा रही तो फिर हमें उसको मैनुअली देखना पड़ेगा ओके okay, रिवर्स है वो ओके ओके सर एंड सर ये सब सारे स्टॉक्स में चेक किए जा सकते हैं जैसे आपने बोला इंट्रा डे स्क्रीनर पर अगर जैसे अगर सारे बैंक एक साथ चेक करें मतलब वन टाइम फ्रेम पे तो ऐसे भी चेक किया जा सर सारे जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स है एस डी एफ सी से, से लेके आईसीआई आई आई या बंधन कोटक इन सब के? नहीं नहीं बैंकिंग सेक्टर वैसे अगर आपको फिक्स रखना है तो आप कर सकते हो उसमें कोई बुराई नहीं है

वॉल्यूम चेंज शोस जैसे यहाँ पर परसेंटेज वाइज वॉल्यूम चेंज होती है ना इसको एक बार क्लिक कर देना ओके सर तो यहां पर जो सबसे हाई वॉल्यूम जिस स्टॉक के अंदर ट्रेड हो रही होगी तो वो आएगी आपके पास हाई वॉल्यूम ट्रेडेड फाइव स्टॉक्स आपको निकालने रहेंगे सिर्फ पांच स्टॉक्स ओके सर सेम काम आपको वीक में करना है और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे उसके अंदर भी ये आरती टाटा केम टाटा कम्युनिकेशन टीसी ये और आई ओके ओके सर हेलो जय साहब बोलिए हाँ सर मेरे तीन क्वेश्चन है सर uh, सर ये, ये जो स्क्रीनर आपने बताया ये कितने बजे देखना है सुबह साढ़े नौ के बाद सुबह साढ़े नौ के बाद में और सेकंड क्वेश्चन सर अभी जो फॉर्मेशन आपने बताया तीन कैंडल का वो ग्रीन वॉल्यूम का पूरा जोन मार्क करना है सर कि सिर्फ अपर ही मार्क देखिए डिपेंड करता है कि जो जोन आप मार्क करोगे वो या तो सप्लाई देगी या डिमांड देगी ओके okay, तो अगर वो हाँ, हाँ. जरूरी नहीं है कि एक स्टॉक के अंदर आपको सप्लाई और डिमांड दोनों मिल जाए अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है लेकिन दस में से दो या तीन बार ऐसा होता है

अभी जो आपने ड्राइंग बताया था सर उसके अंदर उसका ओपन नीचे था और क्लोज अंदर जाके हुआ था पर अगर उसका ओपन और क्लोज दोनों भी अंदर ही हो पहले कैंडल के अंदर ही हो गए तो भी वो भी वैलिड है ना सर वैलिड रहेगा ओके okay, सर थैंक यू चंचल चंचल सर मैं कमेंट कीजिए

ये रेक्स लाइन होती है देखिए टोटल तीन कैंडल से मिल करके हमारी रेक्स लाइन फॉर्मेशन बनती है जिसमें से फर्स्ट कैंडल आपकी नॉर्मल कैंडल होगी इसको फिर से समझिए फर्स्ट कैंडल मेरी एक नॉर्मल कैंडल रहेगी ये ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है अब मान लीजिए ग्रीन है तो सेकेंड कैंडल हम ये मान के चलते हैं कि चलिए उसका कलर हमारा रेड हो गया लेकिन कॉमन चीज क्या होगी दोनों में कि बस विक बड़ी होती है विक निकली होगी इसके अंदर और जो थर्ड वाली कैंडल है या तो हमारी सेंटर वाली कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग कर दी हो और नहीं तो फिर एक विक इसके नीचे दिखाई पड़े अब ये रेक्स लाइन फॉर्मेट हो जाती है हाई एक रेजिस्टेंस बन जाता है इस वाली फॉर्मेशन में लो एक सपोर्ट बन जाता है जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे यहाँ पर लो एक सपोर्ट बन जाएगा और हाई एक रेजिस्टेंस बन जाएगा क्लियर है ना नहीं आरती जी वॉल्यूम्स नहीं देखेंगे इसमें राजू माइक के कीजिए राजू माइक चक्ट हेरा हेलो राजू साहब बोलिए हाँ सर ये जो इंट्राडे स्कैनर का जो ऑप्शन बताया ना आपने जो स्टॉक सिलेक्शन का एक बार वापिस बताएंगे क्या ओके फ्यूचर ऑप्शन के लिए जो आपने बोला था ऊपर लेफ्ट लेफ्ट नहीं राइट राइट अप कॉर्नर में नहीं ये जो इंट्राडे स्कैनर जो है ना गूगल पर गए इंट्राडे यस 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 थैंक यू सर थैंक यू ओके क्लिक हो गया इंट्राडे यस बेस्ट स्टॉक यहाँ पर देखिए कैश और लिखा यस 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 थैंक थैंक यू यू

तो सर मेरे को एक पैटर्न मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ बोले थे पढ़ाएंगे सर मदर कैंडल का के तीन पैटर्न पढ़ाए था सर मैं उसी पे प्रैक्टिस करता ज़्यादातर मैं मैं जो भी ट्रेड लेता उसी पे लेता हूं। बोले थे पांच पैटर्न है कल आइए कल उसको लेकिन कल फिर सारा टाइम लोगों का ट्रेड डिस्कशन में जाएगा डिस्कशन में रहता है सर फिलहाल के हम कोशिश करेंगे उसको हम मैं उसी पे प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं नहीं मिलते तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ अच्छा अच्छा और वही ट्रेड मेरे लिए सक्सेस अच्छा। है ओके तो मैं उसके बाकी बचा हुआ मैं चाहता हूँ कि मेरे को कंप्लीट कर दीजिए ठीक है हम के साथ मैन्युअली मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ कॉलिंग ओवर डिक्रीज और एक स्विंग अप्लाई करके यही दो मेथड यूज करता हूँ इसी पे तीन मिलता है तो लेता हूँ और एंट्री मेथड मेरा मदर कैंडल का पांच पैटर्न जो इसमें आपने तीन पर आए हैं और तीन में ही देखता हूँ लेकिन हाँ सर एक चीज डिस्कस करना था तो कल कर सकते हैं कल करते हैं उसको तो डिस्कस हो कल आपका सेशन है ना ट्रेड डिस्कशन का होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुनल जी आवाज ब्रेक हो गई आपकी हेलो हाँ 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 जी हाँ जी सर मद, कैंडल ब्रेकआउट मेरे को ब्रेकआउट होता है के साथ कल 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 इसको कल, इसको कल। मेरे को कल सर सर है। ठीक है बाकी सब कोई डाउट नहीं मैं पूछना था सर वो बाकी क्लासेस मेरे हिसाब से ठीक। बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ आपको बात भी किया टॉपिक कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कि कंप्लीट ना हो आपका कंप्लीट हम करेंगे वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर सर मैं उसी कर रहा था। और एक, मैंने तो वन आवर के क्लास क्लासेस यूज अटेंड नहीं किया हूं मैं लेकिन सर मैं मैनुअली करता हूं वो भी एक बार भेज देंगे सर अच्छा रहेगा सर मैं तो होते होते हो नहीं क्लास खत्म देख लेना एक बार भेज देंगे तो मैं देख लूंगा ठीक हाँ okay, हाँ है मैं हेलो बोलिए सर अगर का फर्स्ट हैंडल ग्रीन है तो ऊपर रेजिस्टेंस होगा और सेकंड नीचे अगर सपोर्ट होगा तो ऊपर बाय और नीचे सेल भी कर सकते हैं क्या हाँ, वहां के कंडीशन हमें देखनी होगी जैसे यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन बनी yes, इसका लो एक सपोर्ट अब टाइम फ्रेम पर हम लोग ये देख रहे हैं इसका लो एक सपोर्ट बन जाएगा अब यहीं पर अगर हमें कोई एक रेजिस्टेंस वाली फॉर्मेशन दिख गई जैसे वन टू और ये थ्री है ना इसका हाई एक रेजिस्टेंस अगर सर सम... सेल करना हो हाँ बोलिए हम्म हाँ सेल करना हो अगर सेल करना हो तो ये जो सपोर्ट है अगर इससे काटेगा तो हम सेल कर सकते हैं अगर बाय कर, करना तो हाँ। नीचे की तरफ अगर आती मार्केट तो इसको हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे फिलहाल जो रेक्स की फॉर्मेशंस बन रहे हैं वो यहाँ पर बन रही हैं और इस जगह पर हाँ, रेक्स के अकॉर्डिंग आपका एक सपोर्ट तो देखिए यहाँ पर भी है इस एक जगह पर लेकिन ये फॉर्मेशन हाँ। दूसरी है ये फॉर्मेशन सभी अभी फिलहाल उन सबको छोड़िए सिर्फ रेक्स को देखिए आप अच्छा सर ये स्टॉक अगर कितना परसेंट चला होगा तो उसको छोड़ देंगे क्योंकि का टारगेट करना लेना है आप बता रहे थे अभी नहीं अभी अभी, ये सब कुछ नहीं ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे ठीक अभी नहीं ये तो फिर जब मेन फेज में आकर के एक्चुअल एग्जीक्यूशन करेंगे ना तो बहुत सारे रूल्स बताएंगे जैसे स्टॉपलॉस लगाने के लिए भी हमने आपसे बोल दिया कि सबसे लेटेस्ट स्विंग के नीचे आप नैसे लगा दो तो। है ना तो अभी बाकी क्योंकि बाकी सारी फॉर्मेशन आपने नहीं पढ़ी हुई और फॉर्मेशन हम बताएंगे ना तो वो काम आसान हो जाएगा फिर आपको तो अभी तो कोई फॉर्मेशन भी आपको नहीं पता है नहीं ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला अभी तो बहुत बहुत सिंपल सी एक चीज़ है सिंपल एक्सरसाइज करने को हमने आपको दी है तो उसमें इतना ज्यादा दिमाग मत लगेगा इतना अगर चल गया है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे कब ट्रेड करेंगे कुछ नहीं वरना ऐसे तो बारह बजे के बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करते बहुत कम होता है कि बारह बजे के बाद हम ट्रेड करें तो आप जब मेन फेज में जाकर के एग्जीक्यूशन करोगे तब हम ये भी मना कर देंगे कि बारह बजे के बाद कोई एग्जीक्यूशन नहीं लेकिन अभी अगर आपको बारह बजे के बाद भी मिल रहा है तो करो हाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन अभी नहीं लगाने सिंपल सेटअप मिलेगा आप ट्रेड मार दोगे या तो ऐसे लिया टारगेट मैं कमेंट कीजिए तो मुझे जानना था

ठीक है थैंक यू चलिए काफी मजा आया आज का सेशन बहुत अच्छा था क्लियर कट था सारे डाउट्स भी सभी लोगों ने क्लियर किए और जो चीज़ हम आ, कन्वे करना चाहें जो चीज़ हम बताना चाहें तो वो अच्छी तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि हम बता पाए वो तो नेक्स्ट वीक पता नहीं चलेगा कि कितनी अच्छी तरह से बताएं या नहीं फिलहाल अब यहाँ से आप लोगों की मेहनत है एग्जीक्यूशन कीजिए कुछ रहता है तो लाइव मार्केट में हमसे डिस्कस कीजिएगा इसे ठीक है गुड नाइट सभी लोगों को और कल ट्रेड डिस्कशन रहेंगे हमारे तो एक ग्रुप का डिस्कशन होगा आप सभी लोगों को हम लिंक भेजेंगे तो वो इन्विटेशन लिंक होगा एक तरह से आप सभी लोग सिर्फ आओगे और सुनोगे उस चीज़ को लेकिन डिस्कशन सिर्फ एक ग्रुप से ही हम करेंगे गुड नाइट और कल मिलते हैं हम लोग आप